प्रदेश में गौशालाएं तो अनेक होगी, लेकिन चूरू जिला मुख्यालय पर एक ऐसी गौशाला संचालित हो रही है जहां से गौ प्रेमी घर में पालने के लिए निःशुल्क बछड़ी ले जा सकता है। हालांकि निःशुल्क बछड़ी लेने की कुछ शर्तें हैं और अगर आप उन शर्तों को पूरा करते हो तो आप भी यहां से निःशुल्क घर में पालने के लिए बछड़ी ले जा सकते हैं। करीब 7 बरस पहले शुरू हुई इस गौशाला की खास बात यह है कि संचालन के 5 साल तक इस गौशाला ने सरकार से 1 रुपया भी अनुदान नहीं लिया और जन सहयोग से यह गौशाला संचालित हुई। कोरोना काल में बेसहारा और दिव्यांग गौवंश बढ़ने पर गौशाला ने 2 वर्ष पहले सरकारी अनुदान लेना शुरू किया है। इस गौशाला को शुरू करने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। गौशाला समिति के अध्यक्ष और इससे जुड़े लोगों ने बताया कि सड़कों पर अक्सर घायल और बीमार गौवंश देखने के बाद मन में एक पीड़ा होती थी। उन घायल और बीमार गौवंश का उपचार तो कर देते थे, लेकिन सड़कों पर घूमने वाले उन बेसहारा गौवंश को किसी का सहारा नहीं था। कूड़े कचरे में मुंह मारकर पेट भरने के अलावा इन गौवंश के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। इसके बाद कुछ लोगों की टीम ने मिलकर शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर बेसहारा गौवंश के रहने, खाने और पीने की व्यवस्था की और देखते ही देखते शहर के लोगों का साथ मिलने लगा। सेठ साहूकार भी आ गया है तो गौशाला के भी दिन फिरे। नमस्कार सर, हमारे ये गौशाला का नाम है हनुमानगढ़ी गौशाला। इसमें हम दूध वाली तो एक भी गाय नहीं है हमारे यहाँ पे। ये चूरू जिले की एकमात्र गौशाला है जिसके अंदर एक्सीडेंटल घायल और जो ऐसाए गाय हैं उनको रखा जाता है। और हमारे पास जब भी कहीं से भी घायल गौवंश के लिए फ़ोन आता है तो हमारी जो एम्बुलेंस है, जो लिफ्ट वाली एम्बुलेंस है, जिसके द्वारा तुरंत हमारी टीम वहाँ पर जाके उसका रेस्क्यू करते हैं और तुरंत गौशाला ला के उनको इलाज किया जाता है। और मेरे हिसाब से चूरू ज़िले में ऐसी गौशाला और कहीं नहीं है। और हमारे यहाँ गौशाला में एक आईसीयू वार्ड है जिसके अंदर घायल गौवंशों का इलाज किया जाता है। और दूध वाली गायें हमारे पास नहीं है और जितने भी गायें हैं लगभग उनकी संख्या 300+ ही है और उनमें बछड़े भी हैं और नंदी भी है और गाय भी है जो कि घायल है और उनको स्वस्थ होने के बाद तब तक इनका इलाज किया जाता है।